अपने कर्म की कर अदाए, कर दे इधर भी तूने, कर रहे कि नहीं इधर निगाह है, हाँ इधर निगाह करो और सब्सक्राइब करो। वैसे आज जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा तब मेरे मन में अपने आप शायरी आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आपको थोड़ा सुना देता हूँ, इधर सैड म्यूजिक डाल दे एडिटर। आजकल चल रहा है जमाना ऑफ मिस्टर एपी डिलोन, आजकल चल रहा है जमाना ऑफ मिस्टर एपी डिलोन, कब होएगा मेरा 3 मिलियन। एक और। बटाटा को कहते हैं पोटैटो, कांदे को कहते हैं ओनियन, सोच सोच के थक गया, कब होएगा मेरा 3 मिलियन। छोड़ो भाई, आज के वीडियो में हम बात, गुंडा मवाली क्यों लग रहा है भाई, क्या रे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शो की जिसने पूमा को पोमा और एडिडास को अभिबास ये देख के अपना शो का कंसेप्ट बना दिया। मेरे को नहीं लगा मैं ये सेंटेंस कभी बोलूंगा, लेकिन बिग बॉस का छपरी वर्जन आ गया। यस, इसका नाम है लॉकअप। यू नो शोज भी बराबर उनके टाइप के होस्ट लाते। बिग बॉस में देखो सलमान भाई है जिनको उतनी खास एक्टिंग नहीं आती लेकिन होस्टिंग मस्त करते। सिमिलरली कंगना रनौत जिनको एक्टिंग आती है लेकिन होस्टिंग नहीं कर पाती, आप ही देख लीजिए एक बार। मुनव्वर, यहाँ पे क्यों आयो, मुझसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आए? मजाक कर रही हूँ यार, हम भी तो जोक मार सकते हैं ना। बस थोड़ा फनी नहीं था। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। और इंटरनेट पे लोग ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस के होस्ट को गाड़ी चलानी नहीं आती और लॉकअप के होस्ट को जुबान चलानी नहीं आती। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये रॉयल स्टाइल इधर मत डाल भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख रहे हो ये, दिस इज एक्टिंग ऑफ एवरी बॉलीवुड विलन। हेलो क्वीन, जेलर आपकी। मतलब कंगना जी टेलीप्रॉम्प्टर से भी नहीं पढ़ पा रही है, सामने देख के पढ़ना होता है। अब तो जो होगा वो होगा और जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब तुम हाथ छोड़ो या पैर पड़ो, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। यार होस्टिंग नहीं आती तो एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग नहीं आती तो होस्टिंग हो रही है, ऐसे किसी को लाओ जिसको दोनों आए। मिस मी, चुप करे मैनेजर। क्या करे, अब अमिताभ बच्चन को तो ला नहीं सकते। देखते हैं एक्चुअली अभी शो में क्या है। कंगना को पटाके रखो, कहीं अंदर जाकर हमारी पोल ना खोल दे। लोग 5 उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है। रुको, ये ऋतिक का रोस्ट वीडियो है क्या? ये तो गलत है माँ। होस्टिंग नहीं आती मानना पड़ेगा, रोस्टिंग जरूर आती है। उधर ऋतिक मूवी पे मूवी बना रहे हैं और इनको मूवी नहीं मिल रही तो इन्होंने अपना खुद का बिग बॉस बना दिया। चलो कोई बात नहीं, जोक्स तो अच्छे लिख के दिए। यहाँ पे जर्नलिस्ट आते हैं बहुत सारे, उनका स्वागत करती हूँ। ये हमारे लॉकअप के अंदर जाने वाले कंटेस्टेंट से कुछ बहुत ही हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाई मेरे को बताओ शो का फॉर्मेट क्या है, कितने शोज को मिक्स करके खिचड़ी बनाया है। पहले तो बिग बॉस से उठाया कंसेप्ट, फिर अर्नब के पैनल से लोगों को बुला के सवाल जवाब हो रहे। अगर सवाल भी मीडिया वाले ही पूछेंगे तो कंगना जी का क्या रोल है? खराब होस्टिंग, बस आके ऐसा ताकि तक तुक करके स्नैप करना है। क्या गरबा हो रहा है क्या इधर? चलो एटलीस्ट कोई तो ताली मारेगा इनके शो। और हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नीति, उसमें हरियाणा कंगना ने भी दिखाया था जी। और वो मैं कंगना का बेस्ट परफॉर्मेंस मानता हूँ। तो ये शो कंगना की तारीफ के लिए बनाया है तो बता दो भाई। उधर सवाल पूछो ना कंटेस्टेंट्स को। इंसान प्लास्टिक सर्जरी करे उनका अधिकार है। जब आपने, आप कहती है कि आप ऑनेस्ट है, आप सच्ची है, एंड आई एम श्योर यू आर टू, एटलीस्ट आई होप सो। जब आपका लिप सर्जरी हुआ था, That is lip filler. Lip surgery नहीं होता, वो filler होता है। वो एक तो मीडिया जो हमेशा गलत लिखती है, lip surgery. This is called filler. You fill fillers in your lip. Hard hitting. ये भाई lip surgery से इतना फर्क पड़ रहा है इनको। उसको lips नहीं पसंद है तो उससे surgery करा दिया। उसको lips में filler कराना तो करा दिया। कल को नहा के आएगी तो बोलेगी क्या? नहा के नहाने के साथ आपने ब्रश किया? इतना बड़ा ऐसे सवाल मत पूछो भाई, अर्नब गोस्वामी का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि भाई। और ये शो पे कंटेस्टेंट्स भी ना कहीं बिग बॉस से छाप के लाए। बिग बॉस में वो स्वामी ओम था जो पेशाब फेंकता था, और यहाँ पे भी एक स्वामी जी है। हमने कोरोना को खीर चढ़ाए और फिर क्या, थोड़े मिक्सचर, 2-3 गुड लुकिंग लौंडे डाल दिए, कंट्रोवर्सी और यूथ के कनेक्ट के लिए अपने मुनव्वर भाई को डाल दिया। ये नहीं सोच रहे कि उधर यूक्रेन रशिया में लड़ाई चल रही, तुम लोग लड़ाई करो भाई, लड़ाई करो। और कंटेस्टेंट से याद है आपके भाई का रीच देख रहे हो, मैंने जिस बंदी पे वीडियो बनाया सीधा लॉकअप में। हम लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे देखना पसंद करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या है। ये कच्चा बादाम वाली लड़की भी है शो में। देखते हैं कि आप करती क्या है। ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को। पहले बिचारी पे कम रोस्ट वीडियो बना रहे, यहाँ जाके भी रोस्ट हो रही है। तो के कंटेस्टेंट्स का हालत ना बहुत खराब है भाई। मैंने अभी जस्ट, अगर आज हमें गर्म पानी नहीं मिला तो हम हड़ताल पे भूखे रहेंगे। मैं ऑलरेडी कल रात को खाई। अनशन पे बैठेंगे जेल के अंदर, आज अनशन करने वाले हम लोग।
ये क्या बात हुई, पीने को पानी नहीं मिला तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, तो हम तो मर ही जाएंगे। इट्स लाइक विराट कोहली आके बोल रहा है भाई मेरे को बैटिंग नहीं मिला ना तो मैं खेलेगा ही नहीं इंडिया के लिए। कभी कभी लगता है भाई कितने अनलकी लोग हैं, इनको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे देखे तो हम बहुत लकी है भाई, हमको तो भाई बाहर मामाअर्थ के एसेंस सीरम्स मिल रहे हैं। क्या बात, ये बात है। ध्यान से सुनो, ये जो मामाअर्थ का रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम है जिसमें बेस्ट ऑफ अर्थ अश्वगंधा एंड टर्मरिक है एंड बेस्ट ऑफ साइंस हायलुरोनिक एसिड है, जो आपको सिर्फ 2 हफ्तों में रेडियंट ग्लोइंग स्किन देगा। जैसा मैंने बोला इसमें अश्वगंधा है जो एक एंटीऑक्सीडेंट टाइप है जो फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करता है, डार्क स्पॉट्स वगैरह निकालता है। हायलुरोनिक एसिड है जो स्किन का मॉइस्चर रिटेन करता है, एक टाइप डीप हाइड्रेशन देता है स्किन को। टर्मरिक हल्दी जो अगेन स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है एंड मलबेरी जो स्किन को इवन टोन देता है। एंड ये सीरम्स वाटर बेस्ड है फॉर क्विक एब्जॉर्प्शन एंड इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। इसके अलावा लीव्स ऑफ क्लैरिटी जो आपको पिंपल्स होते हैं उसके लिए, फ्लावर्स ऑफ यूथ एंटी एजिंग के लिए और गार्डन ऑफ ग्लो स्पेशली फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए। एंड आपको तो पता ही है जब भी आप परचेस करते हो मामाअर्थ से, मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। मेरा कोड यूज करो thagesh2022 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ वैलिड ऑन mamaearth.in उसके ऐप पे, जो कि अवेलेबल है iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa, सो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और नेसेसरी चीजें हैं बट इतनी भी जरूरी नहीं कि हड़ताल कर लो, सीधा सीधा रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करो शाम में मिल जाएगा थोड़ा सब्र। अत्याचारी जेल ऐसी थोड़ी है, सब दे देवे तुम्हारे को लग्जरी, 5 स्टार रेटिंग भी दे देते ना, लाओ दे दो मोबाइल हम रेटिंग भी दे देते, वो लॉकअप 5 स्टार बढ़िया जगह बहुत मजा आया, नहीं ना अत्याचारी खेल है। मुनावर भाई को मालूम है ये सब बच्चों का खेल है, भाई मैं असली जेल में जाके आया हूँ, मेरे को पता है असली जेल में क्या होता है। ये लोग फेस वॉश के लिए रो रहे हैं, उधर पानी नहीं होता था बाथरूम में जाते, उधर बाथरूम ही नहीं होता। मुनावर भाई जो है उसमें खुश है, ये सब बच्चे लोग के लिए जो प्रैक्टिस मैच है ना, मुनावर 2 महीने टेस्ट मैच खेल के आया। फिर यहाँ पे है शिवम शर्मा। हाँ यार सारा, तुमने ना लाइफ ऐसी कर दी है, क्या बताऊँ, हम बिकते रहे तेरे शहर में किताबों की तरह, तुम्हें पढ़ने की फुर्सत ही ना मिली तो तुम्हें क्या पता। ये मुझे पढ़ना तो पसंद है। चना बड़ा पचका नहीं हुआ लाइव टेलीविजन पे किसका, बिकता रहा मैं किताबों की तरह। अरे इज्जत रख किताबों की, ये बढ़िया था गुरु, कभी किताब पढ़ी होती तो यहाँ नहीं आना पड़ता। सॉरी ओम साई राम, मैंने इनसे किताबों के बारे में पूछ लिया, सॉरी। सारा खान का भी रिप्लाई देखा, वो किताबें पढ़ती है लेकिन उसको अच्छी किताबें चाहिए, कॉमिक बुक्स नहीं चाहिए इसकी तरह। होस्टिंग का लेवल ना बढ़ते जा रहा है अपना, बढ़ते जा रहा है। पहला दिन आया नहीं नॉन सेंस लड़का, ठरकी गिरी चालू कर दिया शो में। हाँ। लड़की भाई हैवी एटीट्यूड, सारा खान की तरह हैवी एटीट्यूड इग्नोर मारती थी। तो लड़का मेरी तरह शिवम कहता था कि ए पर्दा नशी, पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, जलवा दिखा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। सब पे लाइन मार रहा है, ये वो लड़का है जिनको बस लड़की चाहिए भाई, कोई तो हाँ बोल दो प्लीज, कोई हाँ बोल दो। फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लोग ऐसा डालते हैं, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब फिर नस काटने की भी एक्टिंग करेगा। कंगना जी को देखो कितनी कूल है, ऋतिक के पास एक उंगली एक्स्ट्रा होके भी ट्विटर पे तो कंगना जी की उंगलियां ज्यादा चलती है। ये जो लिखा था ये उससे किया है, बड़ा समय लगा इसको बनाने में। इसको पेन क्या किया, पेपर वो शीट नहीं थे वाइट वाली, A4 छोटा छोटा फाड़ फाड़ के वॉशरूम में लेके आया, उसको और छोटा छोटा करके डाला, पता नहीं अच्छा अंदर रखे मैंने भी सारे। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ये पेपर लेके आया, पेपर को फाड़ा, फिर पेपर को टॉयलेट में लेके गया, पेपर को फिर से फाड़ा। मेरे को लगता है ना इसने यूज टॉयलेट पेपर का हार्ट बनाया उधर, कल को ना वो हार्ट के शेप में टट्टी कर देगा और बोलेगा ये मेरा प्यार है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हा? पहला नशा, पहला खुमार, पहला प्रेशर, पहला है जुलाब। सॉरी सॉरी गाइज, बेचारी सारा का मुंह देखो, सोच रही है पता नहीं किस गधे से पाला पड़ गया है इधर, ये पूरी जिंदगी विक्रम बेताल जैसा ऐसा कंधे पे लटका रहेगा। अजी इन होटो से कुछ काम कीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, जी इन होटो से कुछ काम कीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस जिक्र होना चाहिए इन पर हमारा, चाहे तारीफ कीजिए या बदनाम कीजिए। शिवम शट अप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, भाई का ब्रो हो गया बेचारा, बंदा 5-10 सेकंड तक बाल बाल सेट कर रहा था, सीधा सेटअप। इतना डेस्परेट बंदा ना मैंने आज तक नहीं देखा है, सिर्फ 3 मिनट देखे इसके शो में, बाकी टाइम में क्या करता है मेरे को मालूम भी नहीं। ये शो है बिग बॉस से भी बुरा और प्लिट्सविला से भी छपरी। मतलब आप अपनी आप चीज खुद बोल रही है, आप दूसरे को मौका नहीं देंगे बोलने का, बोलिए आपने अभी मेरे को पता नहीं अभी इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट कैसे दूं आप लोग को, बात इतनी सी है, लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए बाहर गई थी, लड़का बोल रहा है मैंने थोड़ी बोला जाने, बस बस इसी बात पे झगड़ा। समझ नहीं रहा सबसे बड़ा अक्कल से पैदल कौन है यहाँ पे, लड़का जो कि फालतू में कुछ भी बोल रहा है, लड़की जो वो भी कुछ भी बोले जा रही है, या मैं जो इस शो को देख के लॉजिक वाले सवाल पूछ रहा हूँ।
बिग बॉस की कॉपी है तो चिल्लम चिल्ली तो जरूरी है ना भाई। G6 का हंसी आ रही है। G6 का हंसी आ रही है। G6 ने अपने मुंडी नीचे कर ली है। G6 को शर्म आ रही है। G6 अपने आइस लटक रहा है। ये G6 ना वो गार्ड्स है वहाँ के। दीदी ने गार्ड की रैगिंग करना शुरू कर दी है। दीदी अपने क्रिंज अवतार में आ रही है। दीदी स्कूल के बच्चों जैसा क्यों चिल्ला रही है। दीदी शो में कॉमेडी करने का ट्राई कर रही है। मैं गार्ड होता ना, ऐसा चप्पल फेंक के मारता ना। एक तो ऑलरेडी वो गार्ड उधर दिन का 1000 रुपए कमाने के लिए इनका फालतूगिरी सह रहा है। हाँ, ऊपर से इनकी रैगिंग अलग। बिग बॉस में तो सिर्फ कंटेस्टेंट्स का मेंटल टॉर्चर होता है, यहाँ तो गार्ड्स का भी होता है भाई। ठीक है भाई G6, तू डर मत, सबका हसल अलग होता है, तू मेहनत कर, फिर पता लगूगा लड़की ने। झगड़ना आता है क्या तुमको? 11 सेकंड में 100 बार नो बोल दिया। नो 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 चश्मा भी डिसअप्रूव कर रहा है झगड़ा। और ये क्या, आई रिस्पेक्ट यू? झगड़ना है ना, सीरियसली झगड़ो। ये रिस्पेक्ट वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, पहले डिस फिर बोलेगा तू। नो हेट वो वाली चीज नहीं। पपी हो गया, मैंने देखा पपी हो गया झगड़े झगड़े में, मैंने देखा। स्लोमो करके दिखाओ उसको। लड़की आर्ग्यूमेंट आ रही थी तो आ गया ना आशिक, एक ही लाइन बोल के चलो बात कैसे करो, कैसे करो बात, कैसे करो बात, कैसे करो बात, कैसे करो। There's no pushing, no hard fight. तो एंड में ये फेक फाइट निकली। फेक फाइट भी नहीं हो रही भाई, हंस भी रहे बीच में। कॉफी गिर गई तो 2 सेकंड के लिए सब लोग डायलॉग भूल गए। There's no pushing, no hard fight. जी हाँ, सब मिले हुए, फ्रंट कैमरा ऑन कर लो और बोलो आपके साथ एक प्रैंक हो गया। प्रैंक ब्रो, यही सब करना होता तो यूट्यूब पे कर लेते, इतने बड़े शो में क्यों गए? सोचा था कंगना इस शो की सबसे डम चीज होगी, बट कंटेस्टेंट्स ने मेरे को गलत साबित कर। मुना और भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई को जेल की इतनी आदत पड़ गई, अभी जेल में रहने का है, फिर चाहे वो रियलिटी शो वाला जेल क्यों। मुना और भाई मान रहे हो शोज में प्रॉब्लम हो रही है, कैंसिल हो रहे हैं, बट ये बूटलेग बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत? अच्छा मेरे भी 3 मिलियन नहीं हो रहे तो क्या यूट्यूब छोड़ के रोडीज में चले जाओ? कच्चा बादाम वाली लड़की को नहीं भूलना है। अंजलि, आई कांट फिगर के आपके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स क्यों हैं। मुझे जस्टिफाई करो कि व्हाई शुड आई फॉलो यू। इसको पूछा अपने करियर में क्या किया है तो इसने डांस दिखा के बोल दिया दैट इज इट, पूरा करियर 15 सेकंड में दिख गया। कच्चा बादाम के जैसे फेमस हुई उस पर डांस करती है तो मजा आता। उसका ये परफॉर्मेंस देख के ना कंगना का एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो टट्टी है। उसके बाद आए यहाँ के जेलर करण कुंद्रा भाई। ये कंगना का जेल है और यहाँ का जेल मैं हूँ। यहाँ पर कुछ कानून है वो आप लोगों को फॉलो करना। करण कुंद्रा भाई, आई एम अ वेरी स्कैरी मैन भाई। करण कुंद्रा को रोडीज से निकाला था क्योंकि इसने थप्पड़ मारा था। होना चाहिए जेल में है जेलर, लो बताओ। सुना है बाग है तुम्हारे आंगन में, मेरे लाहसल बचपन को वो झूला दिखाओगे? वाह। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। वाह क्या बात। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुना। सोच रही इतनी अच्छी अच्छी शायरी बोलने वाला पहली बार सामने देख रही हूँ, वरना हम तो सिर्फ इन शायरियों पर लिपसिंग करते हैं। बेसिकली ये शो जो है चाइना का बिग बॉस है। अगर आप बिग बॉस और फेम हाउस दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा लॉकअप। बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे भी आप लोग पे आरोप है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो, 3 मिलियन करा दो ना, कितना टाइम लगता है। जितना इस वीडियो को देख रहे सब सब्सक्राइब करो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @Mahesh Keshwala। अभी तुम्हारा भाई टिकटॉक रीलर बन गया है, उधर रील्स डालता है। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स में जिसके भी कमेंट्स आ रहे हैं सारे कमेंट्स रीड करो और अच्छे कमेंट्स को ऐसे फीचर करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामाअर्थ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।